हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीरीज लेके आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कशन की। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे सॉल्यूशंस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, है ना, किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, उनको हम डिस्कस करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन यहां पर दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 25 डिग्री सेल्सियस आर 200 mmHg एंड 415 mmHg रिस्पेक्टिवली। तो हमसे पूछा गया है कि इन दोनों को मिक्स कर दें, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम एंड 40 ग्राम एट द सेम टेम्परेचर विल बी। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन को मिक्स कर दें इतना इतना मास, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका टोटल वेपर प्रेशर कितना ऑब्टेन होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो करते हैं हम कैलकुलेट। ठीक, तो लेट अस स्टार्ट। देखिए, आपको दिया गया है, सबसे पहले हम मोल्स निकाल लेते हैं, जो सॉल्यूशन बना रहे हैं उसमें किसके कितने मोल्स हैं वो निकाल लेते हैं। तो अपने को गिवन है मास ऑफ CHCl3 कितना मिक्स किया है, 25.5 ग्राम मिक्स किया है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में इसके कितने मोल्स होंगे वो निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CHCl3 कैसे निकालेंगे, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास CHCl3 का कितना है, 119.5, तो 119.5। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका नियरली 0.213, इतने मोल्स CHCl3 के हमने सॉल्यूशन में मिक्स किए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया गया है CH2Cl2, तो मास ऑफ CH2Cl2 ये कितना लिया गया है, ये लिया गया है 40 ग्राम। ठीक है, तो इसके मोल्स निकाल लेते हैं, मोल्स ऑफ CH2Cl2 कितने मोल्स आएंगे, 40 डिवाइड बाय इसका मोलर मास, मोलर मास हमें दिया गया है क्वेश्चन में 85। ठीक है, तो 85 ये आप कैलकुलेट करोगे, 40 डिवाइड बाय 85, तो ये आएगा 0.47। ठीक है, तो अब हमें मिल गए हैं सॉल्यूशन में दोनों चीजों के मोल्स। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, टोटल प्रेशर निकालने के लिए हमें मोल फ्रैक्शन की जरूरत पड़ती है, तो हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3, उसके लिए हम पहले टोटल मोल्स कैलकुलेट कर लें। तो टोटल मोल्स कितने आएंगे दोनों चीजों के, टोटल मोल्स आएंगे 0.213 प्लस 0.47, तो ये टोटल मोल्स जो आएंगे 0.213 प्लस 0.47 ये आएंगे आपके 0.683, ओके 0.683 ये टोटल मोल्स है। ठीक है, अब हम अगर मोल फ्रैक्शन निकालें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 विल बी, मोल्स ऑफ CHCl3 कितने थे, मोल्स ऑफ CHCl3 0.213 डिवाइड बाय टोटल मोल्स कितने हैं 0.683, ये आप कैलकुलेट करोगे तो डिवाइड करने के बाद ये आएगा 0.312। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 कितने आ जाएंगे 0.312। ठीक है, अब अगर हमें निकालना मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 तो क्या कर देंगे हम, वन में से इसको माइनस कर देते हैं 0.312 को, क्योंकि सॉल्यूशन में दो चीज है और यदि एक का मोल फ्रैक्शन आपको पता है तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन वन में से उसको सेपरेट करके आ जाएगा। तो सेपरेट करेंगे तो ये आएगा आपका 0.688। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 मिल जाएंगे 0.688। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी पी नॉट ऑफ CHCl3 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 प्लस पी नॉट ऑफ CH2Cl2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2। ठीक है, तो रख देते हैं वैल्यू पी नॉट, प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर CHCl3 का कितना दिया था, ये दिया था हमें 200। ठीक है, तो 200 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 कितना निकाला था हमने, मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 हमने निकाला था 0.312 प्लस प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर CH2Cl2 का कितना दिया हुआ है, ये दिया है 415। ठीक है, तो 415 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 अभी हमने कैलकुलेट करे, ये आए 0.68।
एट एट, ठीक है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 62.4 प्लस 415 इंटू 0.688 करेंगे तो ये आएगा आपका नियरली 285.52 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये आएगा आपका 0.92 और 347.92 टोटल वेपर प्रेशर आएगा सॉल्यूशन का। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, 347.92। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड एज एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स। ऑटोमोबाइल गाड़ियों के जो रेडिएटर्स होते हैं उनमें जो कूलेंट डलता है उसमें कौन सा कंपाउंड डाला जाता है तो वो एंटी फ्रीज की तरह काम करे? तो बेटा इसका आंसर है ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल वो सब्सटेंस है जो कि कार रेडिएटर्स में या ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स में एंटी फ्रीज का काम करता है। कैसे? ग्लाइकॉल क्या करता है? ग्लाइकॉल फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देगा तो नॉर्मल जो ठंड वाली जगह होती है वहां पे आसानी से ये रेडिएटर में जो कूलेंट रहता है वो फ्रीज नहीं होता है, ठीक है। तो ग्लाइकॉल हम यूज करते हैं, ये आपको याद रखना है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है पी ए एंड पी बी आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कंपोनेंट्स ए एंड बी, ठीक है। ए और बी दो लिक्विड्स हैं, उनका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर दे रखा है पी ए एंड पी बी रेस्पेक्टिवली ऑफ एन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन। इफ एक्स ए रिप्रेजेंट द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए देन टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी। तो हमें पूछा गया है टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी क्या होगा अगर एक्स ए कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शन को सॉल्यूशन में रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। देखिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है पी ए एक्स ए प्लस पी बी एक्स बी, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। लेकिन हमें एक्स बी नहीं पता है, हमें एक्स ए के टर्म में आंसर देना है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम एक्स बी को रख सकते हैं 1 - xA, ठीक है। हम एक्स बी को क्या रख सकते हैं? 1 - xA रख दें तो रख देते हैं वहां पे। तो ये हमारा हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी पी ए एक्स ए प्लस पी बी और एक्स बी की जगह रख देते हैं 1 - xA। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा पी ए एक्स ए प्लस पी बी माइनस पी बी एक्स ए, ठीक है। इसको रीअरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा तो ये हो जाएगा पी बी, पहले लिख देता हूं पी बी लिख दिया, फिर इधर देखिए पी ए एक्स ए माइनस पी बी एक्स बी पी ए पी बी एक्स ए आया, ठीक है। तो इसमें से एक्स ए कॉमन निकाल लेते हैं तो ये बचेगा प्लस, है ना, इन दोनों टर्म में से हम एक्स ए कॉमन निकाल लेते हैं तो बचेगा पी ए माइनस पी बी पी ए माइनस पी बी इंटू एक्स ए, ठीक है। ये टर्म बच रहा है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट? देखिए आप पी बी प्लस एक्स ए इंटू पी ए माइनस पी बी, पी बी पी ए माइनस पी बी आ रहा है और इंटू एक्स ए आ रहा है तो हमें डी वाला ऑप्शन करेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन यहां पर करेक्ट, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2.0 molar HNO3। कंसेंट्रेटेड एसिड इज 70% HNO3। ओके, हमें इसमें पूछा गया है कि कंसेंट्रेटेड एसिड HNO3 का 70% जो सॉल्यूशन है उसका कितना ग्राम हम यूज करें ताकि हमें 250 ml और 2 मोलर का सॉल्यूशन बना सके, ठीक है। चलिए तो हमारे पास हमें रिक्वायर्ड क्या है?
है ना, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ टू मोलर एंड 250 ml, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। हमें क्या चाहिए, हमें HNO3 का 2 मोलर सॉल्यूशन चाहिए 250 ml का, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमें कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 रिक्वायर्ड, कैसे निकाल सकते हैं, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन की मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम करके, मोलैरिटी कितनी है 2, वॉल्यूम कितना है 250 ml, इसको लीटर में रखें तो लीटर में कितना हो जाएगा 0.25। तो जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है उसमें हमें मोल्स जो चाहिए HNO3 के वो कितने चाहिए, 0.50 चाहिए। ठीक है, 0.50 मोल्स हमें चाहिए। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं मोल्स से मास रिक्वायर्ड। तो मास ऑफ HNO3 रिक्वायर्ड, मास ऑफ HNO3 रिक्वायर्ड, कितना मास चाहिए HNO3 का, तो मास कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास, कितने मोल्स थे, 0.50 इंटू मोलर मास HNO3 का कितना होगा, HNO3 का मोलर मास होता है 63। ठीक है, तो ये हमें चाहिए कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 31.5 ग्राम, मतलब इतना मास हमें HNO3 का रिक्वायर्ड। अब ये मास कहां से आएगा, ये 70% सॉल्यूशन वाले से आएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमें जो सॉल्यूशन दिया है उसका परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है कितना, 70%। ठीक है, और परसेंटेज वेट बाय वेट होता क्या है, परसेंटेज वेट बाय वेट होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट है ये, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो हमारे पास रिक्वायरमेंट, हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसका परसेंटेज वेट बाय वेट कितना है, 70%। अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूट कितना रिक्वायर्ड, सॉल्यूट यानी HNO3 हमें रिक्वायर्ड है 31.5 रिक्वायर्ड, तो उसके लिए कितना सॉल्यूशन लगेगा 70% वाला, तो मास ऑफ सॉल्यूशन यहां से आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन जो रिक्वायर्ड होगा वो यहां से आ जाएगा कितना, इनटू 100। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। तो यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, 31.5 डिवाइड बाय 70 इनटू 100, ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 45 ग्राम्स, है ना। तो हमें जो 70% HNO3 का जो सॉल्यूशन है वो कितना रिक्वायर्ड होगा, 45 ग्राम रिक्वायर्ड होगा। तो 45 ग्राम कंसंट्रेटेड HNO3 रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, विच कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन इनमें से कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, नहीं करता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहली बात, तो आइडियल सॉल्यूशन जो अगर होता है तो वो राउल्ट लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, हमसे पूछा गया कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो राउल्ट लॉ को तो फॉलो करेगा, तो सी आंसर तो हो ही नहीं सकता। चलिए, अब ए ऑप्शन देखते हैं, डेल वी मिक्स जीरो। देखिए क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन में जब हम कंपोनेंट्स मिलाते हैं तो बिफोर मिक्सिंग दी कंपोनेंट्स जो उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं वो बराबर रहते हैं आफ्टर मिक्सिंग दी कंपोनेंट्स, है ना। तो मतलब जब सॉल्यूशन को मिक्स, जब कंपोनेंट्स को मिक्स नहीं किया गया है तो जो सब्सटेंस के इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं वो बराबर होते हैं कंपोनेंट्स को मिक्स करने के बाद, तो डेल वी मिक्स तो क्या रहेगा, जीरो रहेगा, डेल वी मिक्स तो जीरो रहेगा। आपसे पूछा गया है विच इज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, तो डेल वी मिक्स तो जीरो रहेगा तो ये आंसर नहीं हो सकता, राउल्ट लॉ को ओबे करेगा ये भी आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, डेल एच मिक्स भी जीरो रहेगा क्योंकि इंटरेक्शन बिफोर मिक्सिंग एंड इंटरेक्शन आफ्टर मिक्सिंग बराबर होते हैं, इसलिए इंटरेक्शन फोर्सेज बिफोर मिक्सिंग और इंटरेक्शन फोर्सेज आफ्टर मिक्सिंग बराबर होने के कारण डेल एच मिक्स भी क्या होगा, जीरो होगा। तो कौन सी चीज नहीं होती है, तो डेल एस मिक्स यानी एंट्रोपी चेंज
है ना, वाइल मिक्सिंग दीज कंपोनेंट्स, ये क्या होती है पॉजिटिव होती है, एंट्रोपी बढ़ती है, तो एंट्रोपी चेंज जीरो नहीं होगा, एंट्रोपी चेंज क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ऑफ द फॉलोइंग 0.10 मोलल एक्वस सॉल्यूशन विच वन विल एग्जिबिट द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। हमारे पास चार सॉल्यूट है, इनके सॉल्यूशन जो दिए हैं उनकी मोलैलिटी सेम है, और मोलैलिटी सेम है तो हमें बताना है इन चारों में से किस में सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन होगा, ठीक है। अब हमें पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन निकालते कैसे, तो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन निकालते हैं डेल्टी एफ, कैसे निकालते हैं, आई के एफ इंटू एम मोलैलिटी। आई कब आता है, आई होता है वांट ऑफ फैक्टर, जब कोई इलेक्ट्रोलाइट होता है तो उसके लिए हम आई भी लिखते हैं, ठीक है, तो आई के एफ इंटू एम। अब देखो मोलैलिटी चारों की सेम है, सॉल्यूशन एक्वस है तो केएफ भी चारों के लिए सेम होगा, तो अंतर कहां आएगा, अंतर आई में आएगा, जिसका आई ज्यादा होगा उसके लिए डिप्रेशन ज्यादा होगा, सिंपल, जिसके लिए आई ज्यादा उसके लिए डिप्रेशन ज्यादा, तो चेक करना पड़ेगा आई किसके लिए ज्यादा। तो इसका आई पॉइंट ऑफ फैक्टर कितना होगा, ये दो आयन देगा डिसोसिएट होने के बाद, तो आई होगा इसका टू। केसीएल का आई कितना होगा, केसीएल का आई होगा टू। C6H12O6 ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है तो इसका आई तो कितना होगा, वन ही होगा, डिसोसिएट होने के बाद भी एक ही पार्टिकल रहेगा, वो डिसोसिएट मतलब नहीं होगा, ठीक है। C6H12O6 डिसोसिएट नहीं होता है क्योंकि ये क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो इसका पार्टिकल आप एक पार्टिकल घोलोगे तो बाद में भी एक ही पार्टिकल मिलेगा क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं होता है, ठीक है। चलिए Al2SO4 इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होने के बाद कितना पार्टिकल देगा, ये डिसोसिएट होने के बाद देगा कितना पार्टिकल, 2+3 5 पार्टिकल्स देगा, तो इसका आई होगा 5। K2SO4 का आई कितना होगा, K2SO4 आई देगा, दो आयन के मिलेंगे, एक आयन सल्फेट का, तो टोटल आई होगा इसका 3। ओके, तो सबसे ज्यादा आई कहां देखने को मिल रहा है, सबसे ज्यादा आई मिल रहा है Al2SO4 के लिए देखने के लिए, तो आई मैक्सिमम, तो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम, तो हमसे पूछा है लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, तो कौन से ऑप्शन में मिलेगा, सी ऑप्शन में मिलेगा, तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल पर केजी सॉल्यूशन ऑफ एक्स इन वाटर इज ग्रेटर देन इक्विमोलल सॉल्यूशन ऑफ वाई इन वाटर। क्या बोल रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल पर केजी सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैलिटी है 0.2 ऑफ एक्स इन वॉटर इज ग्रेटर देन इक्विमोलल सॉल्यूशन ऑफ वाई इन वॉटर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, जब दोनों सॉल्यूशन में मोलैलिटी सेम है फिर भी एक्स वाले का जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इज ग्रेटर, है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल पर केजी सॉल्यूशन ऑफ एक्स इज एक्स इन वॉटर इज ग्रेटर देन इक्विमोलल सॉल्यूशन ऑफ वाई, ठीक है, दोनों की मोलैलिटी बराबर है, इसके बाद भी एक्स वाले सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आ रहा है, तो कारण क्या होगा, कारण ये होगा कि एक्स जो है वो डिसोसिएट हो रहा होगा, एक्स डिसोसिएट हो रहा होगा तो एक्स का जो आई है वो वन से ग्रेटर होगा, ठीक है, और वाई डिसोसिएट नहीं हो रहा होगा तो वाई का आई कितना होगा, वन होगा, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे देखते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है आई के बी इंटू एम, आई के बी इंटू एम, ठीक है, तो एक्स वाले का आई क्या होगा, ग्रेटर होगा वन से, ठीक है, इसलिए एक्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो रहा होगा, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन इन वॉटर, एक्स इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन इन वॉटर, और वाई डिसोसिएट नहीं हो रहा होगा तो एक्स के डिसोसिएट होने के कारण एक्स का आई वन से बड़ा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है सारी चीजें सेम होने के बावजूद भी एक्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो आंसर सी हो गया है, एक्स इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन इन वॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन अ वन मोलल एक्वा सॉल्यूशन, मोलैलिटी दी है वन मोलल और उसमें मोल फ्रैक्शन पूछे गए, ठीक है, तो अगर देखो मोलैलिटी वन होती है इसका मतलब क्या होता है, मोलैलिटी इज इक्वल टू वन, इसका मतलब क्या है, अगर हम मान लें लेट मास ऑफ सॉल्वेंट का मास, लेट मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg,
वन केजी है तो उसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने होंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने होंगे, वन होंगे। इसका मतलब यही तो होता है, मोलेलिटी का मतलब क्या होता है, पर केजी सॉल्वेंट में एक मोल सॉल्यूट, मोलेलिटी वन है मतलब पर केजी सॉल्वेंट में एक मोल किसका है, सॉल्यूट का है। ठीक है, अच्छा ये वन केजी है इसको हम थाउजेंड ग्राम में लिख सकते हैं, चलिए ठीक है। अब हमको निकालना क्या, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, मोल फ्रैक्शन के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट चाहिए पड़ेंगे। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हमारे पास कितना आ गया, वन आ गया, है ना, थाउजेंड ग्राम सॉल्वेंट में वन मोल है सॉल्यूट का। ठीक है, अब हमें निकाल लें मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि है थाउजेंड ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है, यहां पर एक्वा सॉल्यूशन बोला है, एक्वा सॉल्यूशन मतलब वाटर है, तो वाटर का मोलर मास होता है 18। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 55.55। ठीक, 55.55 मोल्स आ गए सॉल्वेंट के और वन मोल है सॉल्यूट का, वन मोल सॉल्यूट का 55.55 मोल सॉल्वेंट के। तो टोटल मोल्स कितने हो गए, टोटल मोल्स हो जाएंगे आपके 1 + 55.55। ठीक है, वन प्लस 55.55 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56.55। ठीक है, चलिए टोटल मोल्स आ गए। अब हमें निकालने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालोगे आप, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करेंगे हम, तो क्या करेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट जितने कितने थे, वन थे, डिवाइड बाय टोटल मोल्स, टोटल मोल्स कितने थे 56.55। ठीक है, ये डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करने के बाद आपका आएगा आंसर 0.01 77, यानी आंसर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स हैज द सेम वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर एज दैट ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस इफ ऑल आर 100% आयोनाइज्ड। 100% आयोनाइज्ड है तो Al2SO4 होल थ्राइस के जैसा किसका वांट ऑफ फैक्टर है, ये हमें देखना है। तो पहले हम Al2SO4 होल थ्राइस का देख लेते हैं वांट ऑफ फैक्टर, चलिए देखते हैं। तो देखिए जब Al2SO4 होल थ्राइस डिसोसिएट होगा Al2SO4 होल थ्राइस जब डिसोसिएट होगा तो क्या देगा बेटा, वो देगा Al+3 आयन और SO4 2- आयन। ठीक है, अच्छा Al+3 के आयन कितने मिलेंगे, दो आयन मिलेंगे और SO4 2 के आयन कितने मिलेंगे, तीन आयन मिलेंगे। ठीक है, तो इसका वांट ऑफ फैक्टर 100% आयनाइज होने में क्या होगा, 5 होगा। कितना होगा, 5, दो आयन इसके हैं, तीन आयन इसके हैं, तो टोटल वांट ऑफ फैक्टर जो आएगा वो 5 आएगा। अब 5 इन चारों ऑप्शन में से किसका वांट ऑफ फैक्टर है, ये हमको देखना है, चलिए हम देखते हैं। तो K2SO4 का वांट ऑफ फैक्टर कितना आना चाहिए, K2SO4 का वांट ऑफ फैक्टर आना चाहिए बेटा, क्योंकि ये 100% आयनाइज होने पर तीन आयन देगा तो इसका वांट ऑफ फैक्टर आना चाहिए 3। चलिए K3FeCN6 का कितना आना चाहिए वांट ऑफ फैक्टर, देखिए इसमें कॉम्प्लेक्स आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन नहीं टूटता है, तो जो बाहर वाला आयन है वही टूटेगा, कॉम्प्लेक्स आयन नहीं टूटेगा, तो इसमें टोटल आएंगे 3+1, इसका वांट ऑफ फैक्टर आएगा बेटा 4, है ना, 3 के प्लस के आयन आ जाएंगे और एक कॉम्प्लेक्स आयन आएगा ये वाला, तो वांट ऑफ फैक्टर 4 आ जाएगा। इसमें देखिए बेटा वांट ऑफ फैक्टर, इसमें वांट ऑफ फैक्टर आएगा आपका एक एल्यूमिनियम का आयन आएगा और 3 नाइट्रेट आयन आएंगे तो टोटल हो जाएगा 4। ठीक है, इसमें देखते हैं, इसमें 4 के प्लस के आयन आएंगे, ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स आयन आएगा तो टोटल हो जाएगा 5। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी, क्योंकि डी में ही वांट ऑफ फैक्टर कितना है, 5। तो ये हमारा हो गया आंसर इसका, K4FeCN6। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। एट 100 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 6.5 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इज 732 mm। इफ KB इज इक्वल टू 0.52
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, हमसे पूछा गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो पहले बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो पहले हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बेटा निकालते हैं kb into molality of solution से, ठीक है? तो kb into molality, हमको क्या चाहिए? हम molality चाहिए। अच्छा, molality के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? Molality के लिए हमें रखना पड़ेगा moles of solute upon mass of solvent in kg। सही बात है कि नहीं? moles of solute upon mass of solvent in kg। अब moles of solute अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको molar mass of solute चाहिए, चाहिए बेसिकली। तो यहां पर molar mass of solute नहीं दिया है, है ना? तो हमें बेसिकली रिक्वायर्ड है moles of solute, इसके बिना हम ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब moles of solute कहां से लाएंगे? तो देखो, एक इंफॉर्मेशन दी है इस क्वेश्चन में कि जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कितना हो गया है? 732 mm हो गया है, ठीक है? और जबकि प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना होता है? प्योर वाटर का वेपर प्रेशर होता है, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर होता है 760 mm ऑफ Hg, ठीक है? अब वाटर में सॉल्यूट डाल दिया है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो गया है? 732 mm Hg। सही बात है कि नहीं? तो इस इंफॉर्मेशन से हम निकाल लेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब कैसे निकालेंगे? तो आपको रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला पता होगा, ठीक है? तो रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला क्या होता है देख लेते हैं। रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला होता है पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे लिखेंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, है ना? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये फॉर्मूला होता है रिलेटिव लोअरिंग का, ठीक है? इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये फॉर्मूले का फॉर्म इस तरह से हो जाएगा आपका P नॉट माइनस P अपॉन, नीचे P नॉट की जगह आ जाएगा P और ये हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सही बात है कि नहीं? चलिए, P नॉट कितना है? P नॉट हमें पता है वाटर का जो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर होता है वो होता है 760। कितना होता है? 760। P हमें दिया है 732 अपॉन पी, 732 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हमें दिए हुए, कैसे दिए हुए? 100 ग्राम वाटर दिया हुआ, 100 ग्राम वाटर में मोल्स कितने होंगे? तो 100 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ वाटर 18, ठीक है? इसको सॉल्व करेंगे तो इससे आपके जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएंगे वो आएंगे 0.21। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, इसको सॉल्व करने के बाद मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके आएंगे 0.21। एक बार मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए तो हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे? kb into molality, ठीक है? तो kb कितना दिया हुआ है बेटा? देखो, kb दिया हुआ है 0.52 दिया हुआ है, ठीक है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आए? मोल्स ऑफ सॉल्यूट आए हमारे पास 0.21 और मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg कितना है? सॉल्वेंट है 100 ग्राम, तो kg में कितना होगा? 0.1। ये आप सॉल्व करोगे तो ये आपको लगभग मिलेगा 1.1 के आसपास। कितना मिलेगा? 1.1। अब ये 1.1 एलिवेशन है, मतलब इतने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो सॉल्यूशन का नया बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा? सॉल्यूशन का जो न्यू बॉइलिंग पॉइंट आएगा TB, वो आएगा कैसे आएगा? एलिवेशन को ऐड कर दो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है 100, उसमें एलिवेशन को ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा नियरली 101.1 के आसपास, ठीक है? 101.1 के आसपास। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वॉन्ट ऑफ फैक्टर फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेरियम हाइड्रोक्साइड इज, बेरियम हाइड्रोक्साइड का वॉन्ट ऑफ फैक्टर पूछा, अगर वो 100% आयोनाइज हो रहा है तो। चलिए निकालते हैं। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड बेटा क्या होता है देख लीजिए, बी ए OH whole twice। अब ये dissociate होगा तो कौन कौन से आयन देगा? Ba का 2+ आयन और 2 OH- माइनस आयन देगा, सही है? ठीक है, अगर ये 100% आयनाइज हो रहा है तो इसका I क्या होगा बेटा? तो इसका I होगा 1+2, 3 आयन, तो want of factor हो जाएगा 3। आंसर विल बी D, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which one of the following is incorrect for ideal solution? Ideal solution के लिए इनमें से कौन सा statement या कौन सा option गलत है? है ना? Incorrect हमसे पूछा है for ideal solution, ठीक है? चलिए, ideal solution के लिए हमें पता है del H max क्या होता है? Zero होता है, ये तो सही है। del H max ideal solution के लिए zero होता है, ये हमें पता है।
डेल्यूमिक्स भी क्या होता है, जीरो होता है, ये भी सही है ठीक है। डेल पी मतलब ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर माइनस कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू राउट लॉ, इनका डिफरेंस जीरो, मतलब डिविएशन नहीं होता है ना भाई। अगर हम आइडियल सॉल्यूशन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ रहे हैं तो ये तो करेक्ट है, क्योंकि डिविएशन नहीं होता है तो जीरो होगा ना, डिविएशन क्या होगा जीरो होगा, तो ये तो करेक्ट है। तो फिर क्या इनकरेक्ट है, डेल जी मिक्स इज इक्वल टू जीरो, भाई डेल जी मिक्स लेस देन जीरो होता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट फॉर आइडियल सॉल्यूशन ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंपोजिशन ऑफ द वेपर प्रेशर ओवर एन आइडियल 1:1 मोलर मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यून इज करेक्ट। एज्यूम दैट द टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस, गिवन वेपर प्रेशर डेटा एट 25 डिग्री सेल्सियस, बेंजीन का 12.8 किलो पास्कल दिया है, टोल्यून का 3.85 दिया ठीक है। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द वेपर विल कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड टोल्यून, नॉट इनफ इंफॉर्मेशन इज गिवन टू मेक अ प्रेडिक्शन, द वेपर विल कंटेन अ हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, द वेपर विल कंटेन अ हायर परसेंटेज ऑफ टोल्यून। भाई हमने 1:1 मोलर रेशियो में बेंजीन और टोल्यून को मिक्स कर दिया है, इसकी जो वेपर बनी उस वेपर में किसका परसेंटेज ज्यादा होगा या किसका परसेंटेज कम होगा या दोनों के परसेंटेज बराबर होंगे ये हमको बताना। चल तो जब हम 1:1 मोलर रेशियो में दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो जो वेपर बनेगी उसमें किस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा जो ज्यादा वॉलेटाइल होगा ठीक है। और वॉलेटाइल कौन होगा, जिसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो यहां पर आपको दिख रहा है बेंजीन का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में ज्यादा है कंपेयर टू टोल्यून, तो ये वॉलेटाइल ज्यादा है, तो बेंजीन ज्यादा वॉलेटाइल है तो वेपर विल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, ये वाला ऑप्शन सही होगा, बेंजीन ज्यादा होगा वेपर में ठीक है। इसको मैं आपको मैथमेटिकली भी बता सकता हूं, तो मैथमेटिकली देखते हैं अपन निकालते हैं मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। देखो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज का फॉर्मूला होता है, जैसे हमें बेंजीन का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना, तो बेंजीन का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन बी अपॉन टोटल प्रेशर। इसी तरह से टोल्यून का निकालना है तो टोल्यून का कैसे निकालेंगे, पी नॉट टी इंटू मोल फ्रैक्शन टी अपॉन टोटल प्रेशर, पी टोटल लिख देता हूं, इसको कंफ्यूजन ना हो तो पी टोटल लिख देता हूं ठीक है। दिस इज फॉर टोल्यून, टी फॉर टोल्यून ओके, एंड दिस इज टोटल वेपर प्रेशर ठीक। अब मोल फ्रैक्शन दोनों के बराबर होंगे क्योंकि 1:1 का कंपेरिजन है ठीक है, तो 1:1 का कंपेरिजन है, तो आप देखो पी नॉट ऑफ बेंजीन इज ग्रेटर देन पी नॉट ऑफ टोल्यून, पी नॉट ऑफ बेंजीन इज ग्रेटर देन पी नॉट ऑफ टोल्यून ठीक है, और ये तो कैंसिल ही हो जाएगा कंपेयर करेंगे तो ठीक है। तो किसका ज्यादा आएगा, अगर पी नॉट बी ज्यादा है तो वाई बी ज्यादा होगा ना, वाई बी विल बी ग्रेटर देन वाई ऑफ टोल्यून ठीक है। तो मतलब मिक्सचर, मतलब जो वेपर मिक्सचर बनेगा उसमें बेंजीन के मोल फ्रैक्शन ज्यादा मिलेंगे, इसलिए परसेंटेज ऑफ बेंजीन ज्यादा होगा ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल्ड द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट के एफ विल बी ठीक है। अगर हम मोलैरिटी डबल कर देते हैं तो वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट यानी के एफ पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, वो कॉन्स्टेंट है भाई, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इट विल रिमेन अनचेंज्ड ठीक है, इट विल रिमेन अनचेंज्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर वैसे कौन सी क्वांटिटी डिपेंड करती है, देख लेते हैं एक एक करके। फर्स्ट वन इज मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा वॉल्यूम कहीं ना कहीं टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, हम सबको पता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मोलैरिटी ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन में कहीं भी वॉल्यूम वाला टर्म नहीं आ रहा है, मोल फ्रैक्शन में केवल मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आएंगे। वेट परसेंट में वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट आएगा, तो वो भी कहीं पे भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। मोलैरिटी में मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट आएगा, तो वहां पे भी कहीं टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगा, तो आंसर विल बी सिंपली मोलैरिटी ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इन वाटर सैचुरेटेड एयर द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर इज 0.02, इफ द टोटल प्रेशर ऑफ द सैचुरेटेड एयर इज 1.2 atm, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर इज। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ सिंपल लिख लेते हैं। चलो पहले तो आपको समझते हैं कि भाई वाटर सैचुरेटेड एयर क्या होता है। वाटर सैचुरेटेड एयर मतलब होता है
कि ड्राई एयर के साथ वाटर वेपर का जो मिक्सचर होता है उसको हम बोलते हैं वाटर सैचुरेटेड एयर। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी टोटल प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, टोटल प्रेशर मतलब किसका टोटल प्रेशर, वाटर सैचुरेटेड एयर का टोटल प्रेशर। ठीक है, तो वो होगा सिंपली प्रेशर ऑफ ड्राई एयर, प्रेशर ऑफ ड्राई एयर प्लस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर वेपर है ना, वाटर वेपर का प्रेशर। ठीक है, चलिए, तो अगर हमें टोटल प्रेशर दिया हुआ है, टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है 1.2, हमें निकालना है ड्राई एयर का पार्शियल प्रेशर। तो ड्राई एयर का पार्शियल प्रेशर कैसे आएगा, ड्राई एयर का पार्शियल प्रेशर आएगा टोटल प्रेशर माइनस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर वेपर, वाटर वेपर का प्रेशर माइनस कर देंगे टोटल प्रेशर से। अब हमें निकालना वाटर वेपर का प्रेशर, तो वाटर वेपर का प्रेशर कैसे आएगा बेटा, तो हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर दे रखे हैं इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर कितने दे रखे हैं, देखो 0.02 दे रखा, कितना दे रखा है 0.02 इनटू टोटल प्रेशर कितना दे रखा है 1.2। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये आएगा 0.024 आएगा, 0.024 आएगा। ठीक है, चलो अब 0.024 आ गया आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर आ गया, तो ड्राई एयर का वेपर प्रेशर क्या आएगा, ड्राई एयर का प्रेशर क्या आएगा, ड्राई एयर का पार्शियल प्रेशर आएगा टोटल प्रेशर यानी कि 1.2 एटीएम माइनस 0.024 माइनस कर लो तो यह आएगा 1.176 ATM। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन पूछा है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। आप देख रहे होंगे कि आइडियल सॉल्यूशन पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इस टाइप के, तो ये सब आपको याद रखना है बेसिकली, है ना। चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं। फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज, ऑप्शन नंबर ए डेल जी मिक्स जीरो, डेल जी मिक्स जीरो नहीं होता आइडियल सॉल्यूशन के लिए, डेल जी क्या होता है लेस देन जीरो होता है क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। डेल एस मिक्स जीरो, डेल एस मिक्स भी जीरो नहीं होता है, डेल एस मिक्स एंट्रोपी बढ़ती है मिक्सचर बनाने पर, ठीक है, तो डेल एस मिक्स पॉजिटिव होना चाहिए। डेल वी मिक्स नॉट इक्वल टू जीरो, भाई डेल वी मिक्स जीरो होता है ना, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आइडियल सॉल्यूशन बनाने से पहले और बनाने के बाद दोनों इक्वल होते हैं, तो डेल वी मिक्स क्या होता है जीरो होता है, यहां पर दिया नॉट इक्वल टू जीरो तो ये ऑप्शन गलत हो गया। डेल एच मिक्स इज इक्वल टू जीरो, तो डेल एच मिक्स इज इक्वल टू जीरो ये ऑप्शन सही होगा, तो दिस डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है द मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप इज, द मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप इज, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वो होते हैं जिनमें कंपोनेंट्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, अगर मिक्सचर बनाने के बाद बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है उन दोनों के मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट, इनको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, हेप्टेन ऑक्टेन वाटर नाइट्रिक एसिड, तो वाटर नाइट्रिक एसिड बनाएगा आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ये हमको याद रखना है एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप आपका बनाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग अ सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट्स ए एंड बी एग्जिबिटिंग पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा उसकी बेसिकली कौन सा स्टेटमेंट उसके लिए ट्रू है। ठीक है, चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन ए ए एंड बी बी आर स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ दोज बिटवीन ए बी। सेकेंड ऑप्शन डेल एच मिक्स इज इक्वल टू जीरो, थर्ड ऑप्शन डेल वी मिक्स इक्वल टू जीरो एंड फोर्थ ऑप्शन इज इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन ए ए एंड बी बी आर इक्वल देन इक्वल टू दोज बिटवीन ए बी। तो अगर आप देखो ऑप्शन नंबर बी डेल एच मिक्स इज इक्वल टू जीरो, ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए ट्रू होता है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए ट्रू होता है, तो पॉजिटिव डिविएशन वाले सॉल्यूशन के लिए ट्रू नहीं होगा। ठीक है, तो ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए होता है। डेल वी मिक्स इक्वल टू जीरो, ये भी किसके लिए ट्रू होता है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए ट्रू होता है।
इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए ए एंड बी बी आर इक्वल टू दोज बिटवीन ए बी, ये भी किसके लिए होता है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो अपना इस क्वेश्चन के हिसाब से जो पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा उसके लिए कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ऑप्शन नंबर ए ट्रू होगा, है ना, क्योंकि बाकी तीन ऑप्शन तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए ट्रू होंगे। तो यही है जिसके लिए पॉजिटिव डिविएशन आएगा, क्यों, क्योंकि आप पॉजिटिव डिविएशन कब आता, अगर अपन इसको देखें तो कंपोनेंट ए, ये कंपोनेंट ए था, ये कंपोनेंट बी था, इनको मिला दिया, इनको मिला दिया तो कंपोनेंट ए बी का मिक्सचर बन गया, ठीक है, ए बी का मिक्सचर बन गया। तो शुरू में जो ए ए के इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन थे और बी बी के इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन थे, बाद में ए बी के इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बने, ठीक है। तो अगर ये सॉल्यूशन आपको पॉजिटिव डिविएशन दिखाना है, पॉजिटिव डिविएशन कब शो करेगा, जब दोनों को मिक्स करके वेपर प्रेशर जो आइडियल सॉल्यूशन के हिसाब से मिलना चाहिए था उससे ज्यादा मिले। तो आइडियल सॉल्यूशन के हिसाब से जो वेपर प्रेशर मिलना चाहिए था उससे अगर ज्यादा वेपर प्रेशर मिल रहा है तो वो पॉजिटिव डिविएशन वाले होते हैं। और ऐसा कब होगा, ऐसा तभी होगा जब पुराने अट्रैक्शन फोर्सेस, पुराने अट्रैक्शन फोर्सेस क्या होंगे, स्ट्रॉन्गर होंगे देन नए अट्रैक्शन फोर्सेस, पुराने स्ट्रॉन्गर, पुराने फोर्सेज अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होंगे नए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तुलना में। तो नए अट्रैक्शन फोर्सेस क्या होगा, वीकर होगा, नए अट्रैक्शन फोर्स वीकर है तो आसानी से बॉइल करेगा, आसानी से बॉइल करेगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा मिलेगा तो पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा। तो ऑप्शन क्या बोल रहा है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए बी बी आर स्ट्रॉन्गर देन दोज बिटवीन ए बी, तो ए ए और बी बी के इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्गर है देन दोज बिटवीन ए बी, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा ट्रू हो गया, ए ऑप्शन विल बी ट्रू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ इज, तो ये एग्जांपल हमें याद होने चाहिए, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा इथेनॉल प्लस एसीटोन, क्या आंसर हो जाएगा, इथेनॉल प्लस एसीटोन विल शो पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ठीक है। तो ये हमको याद रखने एग्जाम्पल, इथेनॉल प्लस एसीटोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट के एफ ऑफ बेंजीन इज 5.12 केल्विन केजी पर मोल, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलैलिटी इज मोलैलिटी 0.078 मोलल कंटेनिंग अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन बेंजीन इज, ठीक है। तो हमको बताना है बेसिकली, क्या बताना है, हमको बताना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी डेल टी एफ क्या होता है, ये होता है के एफ इंटू मोलैलिटी, के एफ इंटू मोलैलिटी नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए आई वन होता है, ठीक है। के एफ कितना दिया है बेटा, के एफ यहां पर देखो आप कितना दिया, दिया है 5.12 दिया है, और मोलैलिटी कितनी दी है, मोलैलिटी दी है 0.078, आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये आपका नियरली आएगा 0.4 के आसपास, 0.4 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस डेफिनेशन ही क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन विल हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, बहुत ही सिंपल सवाल, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। If 8 ग्राम ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज डिसॉल्वड इन 114 ग्राम ऑफ एन ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इज, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट पूछा है हमसे, ठीक है। हमको दिया क्या है, हमको दिया है कि 8 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को अगर हम 114 ग्राम एन ऑक्टेन में मिला देते हैं तो जो एन ऑक्टेन का वेपर प्रेशर है वो 80% तक रिड्यूस हो जाता है, 80% तक रिड्यूस हो जाता है। तो मान लेते हैं प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर था P नॉट और वो कितना रिड्यूस हो गया है, 80% तक रिड्यूस हो गया है, मतलब 0.8 P नॉट हो गया है। तो रिलेटिव लोअरिंग कैसे निकालेंगे, लोअरिंग डिवाइड बाय P नॉट, ठीक है, ये हो गई रिलेटिव लोअरिंग। और ये किसके बराबर होता है रिलेटिव लोअरिंग, आप बताओ, ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है। चलिए तो पी नॉट माइनस 0.8 पी नॉट, ये हो जाएगा 0.2 पी नॉट अपॉन पी नॉट, ठीक है। चलिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे आएंगे, 8 ग्राम है, 8 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 8 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट,
प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने आएंगे, 114 ग्राम है मास सॉल्वेंट का, 114 ग्राम, 114 ग्राम है डिवाइड बाय मोलर मास कितना दिया है बताइए, मोलर मास कितना दिया है, मोलर मास दिया है 114, तो 114 इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 0.2 आएगा, और इसको देखते हैं तो ये आएगा आपका 8 by m प्लस 1, ठीक है, इसको क्रॉस आप सॉल्व करके देखते हैं तो 0.2 ये हो जाएगा 8 by m upon 8 plus m by m, ठीक है, m m कैंसिल हो जाएगा यहां पर, तो यहां पर 8 प्लस m, तो 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.6 प्लस 0.2 m इज इक्वल टू है ना, एक मल्टीप्लाई कर दिया 1.6 प्लस 0.2 m इज इक्वल टू 8, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 0.2 m, 8 में से 1.6 गए तो ये आएगा आपका 6.4, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो m आ जाएगा आपका यहां से कितना 32 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, 32 मोलर मास, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा सा दिख रहा है, पढ़ते हैं उसको। द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वेयर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ग्लूकोज इन 250 ml ऑफ वाटर, 10 ग्राम यूरिया इन 250 ml ऑफ वाटर, 10 ग्राम सुक्रोज इन 250 ml ऑफ वाटर। तो बेसिकली तीन सॉल्यूशन बनाए हैं हमने, ठीक है, तीन सॉल्यूशन कौन कौन से बनाए, एक बनाया ग्लूकोज का, एक बनाया यूरिया का, और एक बनाया है किसका, सुक्रोज का, तो एक बनाया है सुक्रोज का, ठीक है, मास इक्वल है 10 ग्राम, 10 ग्राम यूरिया, 10 ग्राम सुक्रोज, है ना, तीनों के 10-10 ग्राम लिए, और वॉल्यूम कितना लिया है 250 ml, वॉल्यूम भी इक्वल लिया है, चलिए ठीक है। तो आपको बोला है द राइट ऑप्शन फॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर में इनको जमाना, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है P1, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है P2, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है P3, ठीक है, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको जमाना है। चलिए पहले तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर देखते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है C into RT, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए CRT होता है, ठीक है, सी क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इंटू RT, ठीक है, अच्छा टेम्परेचर तीनों का सेम है, R सबके लिए सेम होगा, वॉल्यूम तीनों का सेम है, तो बेसिकली मोल से कंपेयर करना है, ठीक है, मोल से कंपेयर करेंगे ना, जिसके मोल्स ज्यादा, क्योंकि वॉल्यूम RT ये सब सेम है ना, तो जिसके मोल्स ज्यादा उसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, भाई ये हम तीनों के लिए कंपेयर करेंगे तो ये तो सबको सेम है, तो मोल से कंपेयर करेंगे तो जिसके लिए मोल्स ज्यादा आएगा उसको ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा आएगा। अब मोल्स किसका ज्यादा आएगा, तो मोल्स क्या होता है, तीनों के मोल्स निकाल लेते हैं, ठीक है, तो इसके मोल्स आएंगे 10, ग्लूकोज के लिए मोल्स कितने आएंगे 10 बाय उसका मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, तो 10 बाय मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, यूरिया के कितने आएंगे 10 बाय मोलर मास ऑफ यूरिया, एंड सुक्रोज के लिए कितना आएगा 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सुक्रोज, ठीक है, तो सबसे ज्यादा अब देखो मोल्स किसके ज्यादा आएंगे, जिसका मोलर मास सबसे कम होगा, जिसका मोलर मास सबसे कम होगा उसके मोल्स ज्यादा आएंगे, तो मोलर मास कम किसका है, मोलर मास कम होगा यूरिया का मोलर मास 60 होता है, तो मोलर मास यूरिया का कम है, तो यूरिया का मोलर मास कम है तो मोल्स यूरिया के ज्यादा आएंगे, और मोल्स यूरिया के ज्यादा आएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा आएगा, ठीक है, तो यूरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा, फिर किसके मोल्स है, फिर देखो आप ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180, तो फिर जो नेक्स्ट नंबर पे जिसके मोल्स आएंगे वो आएंगे ग्लूकोज के, तो ग्लूकोज के मोल्स आएंगे तो नेक्स्ट जो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा वो ग्लूकोज का आएगा, ग्लूकोज का कितना था P1, ठीक है, सबसे कम मोल्स किसके आएंगे, सबसे कम मोल्स सुक्रोज के आएंगे, क्योंकि सुक्रोज का मोलर मास ज्यादा होता है, सुक्रोज का मोलर मास ज्यादा तो मोल्स कम तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम, तो P3, तो इसका ऑप्शन होगा P2 > P1 > P3, ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन एट 45 डिग्री सेल्सियस विथ बेंजीन टू ऑप्टेन इन मोलर रेशियो 3:2 इज. ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इस क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि बेंजीन और ऑक्टेन, इनका जो मोलर रेशियो है, बेंजीन और ऑक्टेन का जो मोलर रेशियो दे रखा है वो दे रखा 3:2. तो अगर 3:2 मोलर रेशियो तो हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं. मोल फ्रैक्शन बेंजीन के कितने आएंगे? मोल फ्रैक्शन बेंजीन के आएंगे 3/5. और मोल फ्रैक्शन ऑक्टेन के कितने आएंगे? मोल फ्रैक्शन ऑक्टेन के आएंगे 2/5. मोल फ्रैक्शन आ गए. तो हमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर निकालना, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है पी नॉट बेंजीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस पी नॉट ऑक्टेन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन. पी नॉट बेंजीन, तो पी नॉट बेंजीन कितना दे रखा है? देखिए आप, पी नॉट बेंजीन दे रखा है 280 है ना. वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज 280. तो 280 इंटू मोल फ्रैक्शन कितना है? 3/5 प्लस पी नॉट ऑक्टेन का कितना दे रखा है? 420. तो 420 इंटू मोल फ्रैक्शन कितने है? 2/5. इसको सॉल्व करोगे आप तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा आपका 336 mmHg. कितना आएगा? 336 mmHg. तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा करेक्ट. ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद आप देखोगे तो 336 mmHg आएगा. तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इन वन मोलर सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट देयर इज 500 ml ऑफ सॉल्वेंट, 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 100 ml ऑफ सॉल्वेंट, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. तो हमको देखना है सॉल्वेंट कितना होगा बेसिकली. तो मोलैलिटी हमको कितनी दी है? देखो मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. ठीक है, ये होता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. अब मोलैलिटी कितनी है? मोलैलिटी 1 है. मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.5 है. तो यहां से हमारे पास क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा किसमें? केजी में. तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया केजी में? मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा आपका 0.5 केजी. 0.5 केजी आ गया. तो ग्राम में देखेंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा ग्राम में? 0.5 केजी है. तो कितना आ जाएगा? 500 ग्राम. तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा. चलिए